स्वागत है आप सभी का ईजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक के तरफ से जो आपका सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है कि किस कॉलेज में कितना सीट अवेलेबल है और किस ब्रांच में, ठीक है। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी में टोटल कितना सीट अवेलेबल है, कॉलेज वाइज जान सकते हैं, ब्रांच वाइज जान सकते हैं। आपको जैसे भी अपडेट चाहिए वैसे आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है बीसीसी बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं इस वीडियो में कि सीट मैट्रिक्स जो है टोटल कितना सीट अवेलेबल है कॉलेज में और कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखें डीसीसी 2022 इंस्टीट्यूशन वाइज कैटेगोरी वाइज एआईसीटीई अप्रूव सीट अलॉटमेंट इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेशन 2022-23, जो आपका 2022 बैच के लिए जो स्टूडेंट का एडमिशन स्टार्ट हो रही है उसमें कितना सीट अवेलेबल है वह जो है वह जारी कर दिया गया है सीट मैट्रिक्स बिहार कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। यहाँ पे हम लोग देखे थे एनजीपी पटना 13, इसमें आपका सिविल ब्रांच में 90 सीट अवेलेबल है। आप कैटेगोरी वाइज भी देख सकते हैं कि जनरल का 36 है, एससी का 14 है, एसटी का 1 है, एबीसी का 16 है, बीसी का 11 है, आरसीजी कैटेगरी का 3 सीट अवेलेबल है और ईडब्ल्यूएस का 9 सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका एनजीपी पटना 13 में 90 सीट अवेलेबल है, मैकेनिकल में भी 90 है, इलेक्ट्रिकल में भी 90 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 90 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है इसमें आपका 60 सीट अवेलेबल है और कंप्यूटर साइंस में भी आपका 60 सीट अवेलेबल है। तो टोटल आपका जो है एनजीपी पटना 13 में 480 सीट अवेलेबल है, ठीक है। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इसी प्रकार आप जीपी पटना 7 जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7 में है इसमें आपका इलेक्ट्रिकल में 60 है, मैकेनिकल में 60 है, क्रिमिक्स इंजीनियरिंग में 30 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 है, टेक्सटाइल में 30 है, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में भी आपका 30 है, सिविल में 60 है और कंप्यूटर साइंस में भी आपका 60 सीट अवेलेबल है। टोटल इसमें 390 सीट अवेलेबल है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना 7 में, ठीक है। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर है, इसमें आपका सिविल में 60 है, मैकेनिकल में भी 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 60 है, कंप्यूटर साइंस में भी आपका 60 सीट अवेलेबल है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपका 60 सीट अवेलेबल है। टोटल आपका 300 सीट अवेलेबल है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर, इसमें आपका सिविल में 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 60 है, मतलब हर एक जितना भी ब्रांच अवेलेबल है उसमें मिनिमम 60 सीट अवेलेबल होता है, ठीक है। तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो अवेलेबल आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भागलपुर इसमें भी 300 सीट है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सहरसा इसमें भी 300 है, पॉलिटेक्निक गया में भी आपका 300 सीट है। आप अपना कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सरा इसमें मेंशन किया गया है जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा है इसमें भी आपका 300 सीट अवेलेबल है। आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं उस ब्रांच के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आपका बरौनी है इसमें भी आपका 300 सीट है, पूर्णिया में भी 300 है और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो छपरा सारण है इसमें आपका 330 सीट अवेलेबल है, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं इसमें कंप्यूटर साइंस का जो है 30 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे गोपालगंज का आप चेक कर सकते हैं 360 है, कटिहार में 240 है, वैशाली में 240 है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी प्रकार आप हर एक कॉलेज का चेक कर सकते हैं कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें कितना सीट अवेलेबल है। जहाँ पे आपका चार ब्रांच अवेलेबल है वहाँ पे 240 सीट अवेलेबल है, ठीक है। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं वो सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज का इसमें गिवन किया गया है जो आपको कल ही जारी कर दिया गया है बीसीसी बोर्ड के द्वारा। हम लोग देख लेते हैं कि आपका टोटल सीट जो है वो कितना अवेलेबल है बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में। यहाँ पे आप देखें तो 11,676 सीट जो है आपका बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आपका अवेलेबल है, ठीक है। इसी प्रकार आप अपना कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं
कि अभी कैटेगरी में कितना सीट जो है टोटल अवेलेबल है बिहार के पॉलिटेक्निक में। इसी प्रकार देखिए तो दो तो आपका जो है वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पटना 14 में है और गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो है वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में 570 सीट अवेलेबल है। ठीक है, इसमें आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं कि मेरा कैटेगरी में कितना कितना है सीट अवेलेबल है, और ब्रांच वाइज भी देख सकते हैं। ये सिर्फ आपका वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज का 570 सीट। ठीक है, अगर आपको बिहार पॉलिटेक्निक से एडमिशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।